नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और साथ ही साथ लाइक बटन को जरूर दबा दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही साथियों, 588 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होने वाली। आइए पूरी खबर को हम विस्तार से बताते हैं आज की बहुत बड़ी खबरों के बारे में। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब 15 को जारी होगा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। 588 पदों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 588 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन अब 15 अप्रैल को जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 अप्रैल को विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया आवेदन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 336, एसोसिएट प्रोफेसर के 156 और प्रोफेसर के 66 पदों पर भर्ती होनी है। तो आइए नेक्स्ट खबर की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट खबर आ रही है मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को रिजल्ट को लेकर जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है दो विषयों का कल शुक्रवार को। आइए पूरी खबर को हम बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के दो विषयों के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। इसमें देख सकते हैं, इनमें संगीत महिला शाखा के 60 पद और गृह विज्ञान पुरुष शाखा का एक पद शामिल है। गृह विज्ञान के विषय में कोई योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गया पद। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। संगीत विषय के चयनित अभ्यर्थियों की सूची में पहले दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः ऋचा सिंह और तंसुरी एवं दशी श्रीवास्तव के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही खबर थी। और यहाँ पर देख सकते हैं, 15 विषयों में शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। आइए नेक्स्ट खबर की तरफ हम लोग चल। नेक्स्ट अपडेट मिला है मित्रों आपको वीडियो रिजल्ट को लेकर। यूपी त्रिपल एससी की तरफ से वीडियो रिजल्ट को लेकर सरकार की तरफ से अभी सहमत नहीं मिल पाई, इस वजह से आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जा रहा है मित्रों। जब तक सरकार की तरफ से सहमति या मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक आपका रिजल्ट अभी बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की मंशा से ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सभी जगह से तो सहमति मिल चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से सहमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये चुनाव यानी राजनीतिक यानी चुनाव का माहौल ना ख़राब हो, इसलिए आपका रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है वीडियो का रिजल्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया, थैंक यू।